आओ आओ निकलो निकलो लड़की निकलो, जाओ बाबू आराम से जाओ। उधर से उधर से पांच मिनट पे जाए अपने चैनल बनाए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। Jindabad! 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 Jindabad!
बंद कर दीजिए, माइक बंद करिए, वहां का बंद कर दीजिए, वहां का माइक बंद। सरकार अब आपसे आग्रह करते हैं, देखिए हमारे साथ चल करके प्रदेश अध्यक्ष जी चल रहे हैं सुंदरलाल लोधी जी, वो नहीं बोल पा रहे हैं, हमारे साथ वीर पावन में स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों ने अपना पूरा का पूरा समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है। बताइए आप सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलवाए, बुलाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं एक पेड़ के साथ बुलाना चाहूंगा, एक पेड़ के साथ कि हुए हासिल। हुए सजदे मुकक्कल सब, हुए सजदे मुकम्मल सब, आकर तेरी पनाहों में, तेरी मर्जी तू शामिल कर, दुआओं में या गुनाहों में। हम आगे करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से स्वागत करते हुए कि संबोधित करें। देखिए आप कोई नहीं बोल पा रहा, हम ही अकेले बोल रहे हैं। राम दासन को भी बोलना था, अशेख आशु को, दीपक मिश्रा को भी बोलना था, अब इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं। हमको यहाँ पर 2 बजे आना था और अब कितने बज रहे हैं, 7:30 से ज्यादा ही बज रहे हैं। बहुत इंतजार आप लोगों को करना पड़ा है, अब इंतजार करना पड़ा, इसके लिए हम आपसे बहुत आभारी हैं। और ये हमारा सामाजिक परिवर्तन रथ सारे अक्टूबर से सीए चला है और अभी तक हम 12 अक्टूबर से लेकर के आज तक हम 63 जिलों में जा चुके हैं। ये सामाजिक परिवर्तन रथ 63 जिलों में घूम चुका है और इसलिए सामाजिक परिवर्तन चला है 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन करना है, पार्टी की सरकार को हटाना है और इसलिए हटाना है। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जितने भी वादे किए थे अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है और इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके गलत फैसलों के कारण आज उत्तर प्रदेश की जनता तबाह हो गई है, परेशान हो गई है। और जब परेशान हो गई है, और पहला आपको याद होगा, याद रखना इन्होंने कितने कितने वादे किए थे और कितना कितना जनता को बहकावे में किया था। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक खाते में डालेंगे, कहा था। अब इनको पूछिएगा, हम पत्रकार भाइयों से भी पूछना चाहते हैं, अभी तक कितना काला धन आया, कितने खातों में पैसा पहुंचा। फिर दूसरा इन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अब बताइए भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि बढ़ गया। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष नौकरी देंगे, कितने लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ होंगे, 14 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाना चाहिए। अब इनको पूछना, जब पहली वेव कोरोना की आई थी, बताओ कोरोना में कोई तो इलाज नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, अस्पतालों में बेड नहीं दे पाई, कितने लोग चले गए। और आज पता करना, सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं है, अब तो और भी बीमारी आ गई, कोरोना के अलावा डेंगू आ गया, डेंगू के अलावा
जीका में बुखार आ गया। बताइए आ गया बुखार? तो इन्होंने कितने वादे किए थे, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया। और महंगाई का तो ये हाल हो गया है, डीजल पेट्रोल घरेलू गैस और बिजली, बताइए बिजली, एक साल में 4 बार बिजली के बिलों पर रेट बढ़ा दिया है। बताओ बढ़ाया? और वादा क्या किया था इन्होंने, हम सस्ती बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। बताओ कितने घंटे बिजली आ रही है? और छापे अलग पड़ रहे हैं, छापे और FIR अलग हो रहे हैं। और अगर सेटिंग हो जाए तो FIR नहीं होगी, नहीं जुर्माना और FIR दोनों सेटिंग। तो बताइए हम भी बिजली मंत्री रहे 2003 से 7 तक, बताइए कहीं पर भी छापे पड़े? किसी पर छापे नहीं पड़े थे। और हमने तो देखिए किसान, जब हम पर सिंचाई विभाग था तब हम ट्यूबवेल का पानी और नहर का पानी फ्री कर दिया। और 2003 से 7 तक हमने जितने भी बुनकर थे पर लूम पर 63 रुपया, एक महीने में केवल 63 रुपया पर लूम पर लगता था, फ्लैट रेट पर बिजली दे दी थी। और इन बेईमानों ने तो जितने वादे किए सब झूठे निकले। तो इसलिए हम बस इतना कहना चाहते हैं, अगर हमारी प्रगति समाजवादी पार्टी को मजबूत कर देना और सरकार बना देना, और अगर सरकार बना दी तो पहले ही दिन हम सस्ती बिजली 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। और दूसरा हम वादा करते हैं, बताइए अभी देखिए खाद भी दाम रेट बढ़ा दिए। और बताओ जब हम कॉपरेटिव मिनिस्टर थे कहीं खाद की लाइन लगाना पड़ती? जितनी चाहो उतनी। तो हम दूसरा वादा आपसे करते हैं, जो हमारे बेटे बेटियां पढ़ी लिखी हैं, बीए पास हैं, और जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हर घर में एक बेटे को एक बेटी को सरकारी नौकरी देने की। बताइए ठीक है। और तीसरा, रुक जाओ भाई। और तीसरा वादा हम करते हैं, जो हमारे लड़के नौकरी अगर नहीं दे पाते हैं और बीए पास लड़के और लड़कियां हैं, तो हम सरकारी बजट से 5-5 लाख रुपया दे करके उनसे कहेंगे तुम अपना कारोबार स्वतः कहीं से ढूंढो। बताइए ये योजना होना चाहिए, ये योजना बनाना चाहिए सरकारों को। तो इसलिए हम किसानों को, गरीबों को, बुनकरों से लेकर अल्पसंख्यकों से लेकर के कहीं पर भी किसानों की हालत खराब कर दी है, तो ऐसे कानून हम रद्द करेंगे, नहीं बनाएंगे, किसान विरोधी कानून नहीं होने देंगे, अल्पसंख्यक विरोधी कानून नहीं बनने देंगे। कहीं पर भी किसी भी गरीब को, किसान को, अल्पसंख्यक को, बुनकर को, किसी को भी हम पिटने नहीं देंगे, कहीं पर भी उनको परेशान नहीं होने देंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। बस ये सब लोगों आज से हमारा इंतजार किया, हमारा स्वागत किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने कम से कम 5 घंटे मेरा इंतजार किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। Thank you.
मोबाइल